बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 5 की उर्दू की किताब है, जदीद उर्दू। उर्दू क्लास पंजुम माहे नवंबर। स्टूडेंट्स, माहे नवंबर में आपका चैप्टर है टैक्सिला का जायब घर। जिसका सफा नंबर है 68, तो आप तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ बुक खोल लीजिए ताकि हम बुलंदखानी कर सकें। टैक्सिला का अजायब घर। टैक्सिला का अजायब घर रावलपिंडी शहर से चंद किलोमीटर पर वाक़ है। टैक्सिला का अजायब घर सारी दुनिया में बहुत मशहूर है क्योंकि टैक्सिला की तहजीब हजारों साल पुरानी है। यहाँ की ज़मीन ने कई कौमों के उरूज सवाल देखे। दुनिया में हमसे पहले कितने लोग आए और चले गए। हमसे पहले जो लोग आए उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई और छोड़ गए। उनमें ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम अब भी इस्तेमाल करते हैं और ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें देखकर हम लुत्फ़ उठाते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं जिनकी बनाई हुई चीज़ें इतनी अच्छी और खूबसूरत हों कि हम उन्हें देखकर तंग रह जाएं। टैक्सिला और उसके क़ुर्बो जवार में बसने वाले इन ही लोगों में से थे। टैक्सिला पर मुख्तलिफ कौमों का कब्ज़ा रहा टैक्सिला पर मुख्तलिफ कौमों का कब्ज़ा रहा है जिनके मज़ाहिब मुख्तलिफ थे और उनकी तहजीबें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। मगर जब ये मज़ाहिब और तहजीबें एक दूसरे से मिली तो उन्होंने इस ज़माने की बनाई हुई चीज़ों पर मिले जुले असरात डाले जो हमें नज़र आते हैं। टैक्सिला में मुसलमानों से बहुत पहले हिंदू, यूनानी और बुद्धमत के मानने वालों की हुकूमत रही है। इस ज़माने में टैक्सिला में एक यूनिवर्सिटी थी जो गालिबन दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। वहाँ के असातिज़ा ज़माने के माने हुए आलिम थे जिनसे पढ़ने के लिए दूर दराज से तालिबे इल्म आया करते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको टैक्सिला के अजायब घर के बारे में बताया गया है जो कि रावलपिंडी शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर है और ये तमाम ही दुनिया में मशहूर है और यहाँ की तहजीब बताई गई है बहुत पुरानी और यहाँ पर मुख्तलिफ कौमों ने हुकूमत की है और उनके मज़ाहिब भी मुख्तलिफ थे एक दूसरे से। उस ज़माने में हाथों से बनाई हुई चीज़ें बहुत मशहूर थीं। ज़ाहिर है वो लोग चले गए और उनकी बनाई हुई चीज़ें अभी भी जो वहाँ पर मौजूद थी, जो ज़मीन खोद के निकाली गई हैं, तो उनको अजायब घर में रखा गया है ताकि लोग वहाँ जाके उनको देख सकते हैं, उनसे लुत्फ उठा सकते हैं कि पहले ज़माने के लोग कैसे रहते थे, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उनका रहन सहन क्या था। टैक्सिला पर जो जिन कौमों ने पहले कब्ज़ा रहा है उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब शामिल थे और इस पर जिन लोगों की हुकूमत रही है वो हिंदू थे, यूनानी और बुद्धमत के मानने वाले थे और इन तीनों ने वहाँ पर हुकूमत की। उस ज़माने में टैक्सिला में एक यूनिवर्सिटी होती थी जो कि शायद दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है और वहाँ के उस्ताद बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल थे जिनसे पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और उस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते थे। तीन सौ सत्ताईस साल कबल मसीह यूनान से आने वाले सिकंदर आजम ने हिंदू बादशाह को जंग में शिकस्त देकर टैक्सिला पर कब्जा कर लिया। मगर जिस जमाने में सिकंदर और उसके जानशीनों की हुकूमत रही, टैक्सिला यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद
चातकिया का एक ऐसा शागिर्द था जो अपने उस्ताद की मदद से आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा था। आखिर ये चंद्रगुप्त मौर्य नामी ये लड़का बादशाह बन गया और टैक्सिला को सिकंदर के जानशीन से दोबारा हासिल करके अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। चंद्रगुप्त के बाद जब इसके पोते अशोका ने हुकूमत संभाली तो उसने भी कई लड़ाइयां लड़ी। अपनी आखिरी लड़ाई के बाद जब वो मैदानी जंग में गया तो वहां बेशुमार जख्मी और मुर्दा इंसानों को देखकर एकदम उसके दिल में जंग से नफरत पैदा हो गई थी। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में बताया गया कि 327 साल कबल मसीह यूनान से जो सिकंदर आजम आया था उसने हिंदू बादशाह जो कि टैक्सिला पर हुकूमत करता था उसको जंग में शिकस्त देके हरा कर उधर कब्जा कर लिया। मगर जिस जमाने में सिकंदर और उसके जानशीनों की हुकूमत रही थी, जब टेक्सिला यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद चातकिया का एक ऐसा शागिर्द था जो कि अपने उस्ताद की मदद से आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा था, और उस लड़के का नाम चंद्रगुप्त मौर्य नामी लड़का था, और ये लड़का क्या आगे जाके बादशाह बन गया। टेक्सिला को इस सिकंदर के जानशीन से उसने दोबारा हासिल कर लिया और अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। चंद्रगुप्त के बाद उसके पोते अशोका ने भी हुकूमत संभाली। वो उसके तख्त पे बैठा तो उसने भी बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। अपनी आखिरी लड़ाई के बाद जब वो मैदाने जंग में गया तो वहां पर जाहिर है मैदाने जंग में बेशुमार जख्मी और मुर्दा इंसान पड़े होते हैं जिसको उन्होंने उसने देखा और एकदम उसके दिल में जंग से नफरत पैदा हो गई। हालांकि उसने बहुत सारी जंगें लड़ी थी, मगर जब एकदम उसने इतने सारे मुर्दा लोगों को देखा तो उसके दिल में जंग से नफरत पैदा हो गई। इसके बाद अशोका ने बुद्ध मत मजहब इख्तियार कर लिया क्योंकि इस मजहब के बानी गौतम बुद्ध ने किसी की जान लेने को हराम करार दिया था। अशोका के जमाने में बुद्ध मत हिंदुस्तान में खूब फैला। अशोका की कोशिशों से हर तरफ अमन था, लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका था, मुल्क का पैसा जंग के बजाय लोगों की फलाह में लग रहा था, जिसकी वजह से लोग इत्मीनान के साथ आर्ट और दूसरे कामों में लगे हुए थे। टैक्सिला और इसके कुर्बो जवार में गौतम बुद्ध इसके साथी और उनकी जिंदगी के मनाजिर पत्थर में तराशे गए और बहुत से स्तूपा भी तामीर किए गए। इस आर्ट को हम गंधारा आर्ट के नाम से जानते हैं और इसके बहुत से नमूने टैक्सिला और मुल्क के दूसरे अजायब घरों में मौजूद हैं। टैक्सिला के अजायब घर में इस जमाने के कदीम सिक्के और बहुत से चांदी, सोने, लोहे, पत्थर वगैरह की दूसरी चीजें भी रखी गई हैं जो जमीन खोद कर निकाली गई हैं। जमीन में छुपा हुआ ये खजाना इतना बड़ा है कि आज तक इसकी चीजें बरामद हो रही हैं। जितना पुराना जमाना उतनी ही ज्यादा नीचे इस जमाने की चीजें दबी हुई हैं। ये सारी चीजें एक तारीख की किताब की तरह हमें कदीम जमाने की बहुत सी बातों से आगाह करती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया है कि जब अशोका को जंग से नफरत पैदा हो गई तो उसने अपना मजहब बुत मत मजहब इख्तियार कर लिया था, बुतों की पूजा का, क्योंकि उस मजहब के बानी गौतम बुद्ध ने किसी की भी जान लेने को हराम करार दिया था कि किसी की जान नहीं लेनी। अशोका के जमाने में बुत मत मजहब हिंदुस्तान में खूब फैला, यानी कि ज्यादातर लोग बुत मत मजहब को इख्तियार करने लगे थे। अशोका की कोशिशों से हर तरफ अमन हो गया था उसकी कोशिशों से हर तरफ अमन हो गया था और उसने लड़ाई झगड़े को खत्म करके उसने मुल्क का पैसा जंग के बजाय लोगों की फलाह पर लगाना शुरू कर दिया। लोगों की फलाह मीन्स लोगों के लिए भलाई के काम शुरू कर दिए, जैसे अस्पताल कायम करा दिया, स्कूल कायम करवा दिया, जिसकी वजह से लोग इत्मीनान के साथ अपने कारोबार भी कर सकते थे और अपने कामों में दूसरे कामों में लगे हुए थे। उस वक्त आर्ट का काम बहुत मशहूर था। टैक्सिल और उसके कुर्बो जवार में गौतम बुद्ध और उसके साथी और उनकी जिंदगी के मनाजिर पत्थर में तराशे गए थे और बहुत से स्तूपा जो कि मिट्टी से बनाए गए थे तामीर किए गए थे, और इस आर्ट को गंधारा आर्ट के नाम से जानते हैं।
इस आर्ट का नाम है गंधारा आर्ट, और इसके बहुत से नमूने टेक्सिला और मूल के दूसरे अजायब घरों में, जब आप बेटा अजायब घर में जाएंगे विजिट करने, तो फिर आप देखेंगे कि पत्थर से बनाए हुए, मट्टी से बनाए हुए बहुत सारे स्तूपा भी नजर आएंगे आपको। इसको गंधारा आर्ट कहते हैं। टेक्सिला के अजायब घर में इस जमाने के कदीम सिक्के, अजायब घरों में आपको कदीम सिक्के नजर आएंगे जो कि चांदी, सोने और लोहे से बने हुए हैं, और उनके साथ साथ आपको दूसरी चीजें भी नजर आएंगी कि वो पुराने जमाने में टेक्सिला में लोग किस तरह, उनका रहन सहन क्या था, वो खाते पीते क्या थे और कारोबार क्या करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, जो कि जमीन से छुपा हुआ ये खजाना इतना बड़ा है कि वो अभी तक जब वहां पर खुदाई होती है तो कुछ ना कुछ जमीन से निकलता है और फिर वो उस चीज को अजायब घर में रख दिया जाता है। उन चीजों से हमें उन लोगों के रहन सहन का पता लगता है कि वो क्या खाते पीते थे, क्या कारोबार करते थे और उनका रहन सहन कैसा था। ज्यादा और नीचे जमाने की चीजें दबी हुई हैं। ये सारी चीजें इस तारीख की किताब की तरह हमें कदीम जमाने की बहुत सी बातों से आगाह करती हैं। मिसाल के तौर पर ये कि बुद्धमत मजहब लोगों में फैला हुआ था उस जमाने में, गौतम बुद्ध के बारे में लोग क्या ख्याल करते थे, इनके बारे में कौन से थे, मशहूर थे लोग, इबादत कैसे करते थे, उन्हें किस किस्म की चीज़ों की आदत थी और किस किस्म के काम कर सकते थे, इन सब बातों के जवाब हमें पत्थर में तराशे हुए मनाजिर, मुजस्मों और दूसरे आसारे कदीमा में मिलते हैं। गंधारा आर्ट में गौतम बुद्ध की शक्ल अक्सर अक्सर यूनानी मुजस्मों जैसी बनाई गई है, जबकि इसके साथ ही हिंदुस्तानी शहजादों से मिलते हुए हैं। इस तरह यूनानी असरात हिंदुस्तानी असरात के साथ मिले जुले नजर आते हैं। सिक्कों पर यूनानी चेहरे नुमाया हैं। इन बातों से इस बात की तस्दीक होती है कि यूनानी यहाँ हुकूमत करते रहे थे, वरना हिंदुस्तानी मुजस्मा साजों ने उन्हें कहाँ देखा होता। जमीन से निकले हुए आसारे कदीमा इस तरह हमें हजारों साल पहले के वाकयात जानने और तारीख को समझने में मदद देते हैं। अब स्टूडेंट, इतने जमाने पहले की बातें हमें कैसे पता लग सकती थी कि उनका रहन सहन कैसा था। ये जो आसारे कदीमा निकाले गए जमीन से खोद कर, तो उन आसारे कदीमा से हमें ये पता चलता है कि वो लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे, क्या खाते पीते थे, उनका लिविंग स्टाइल क्या था, रहते कैसे थे, उनका कारोबार क्या था, खाते पीते क्या थे। ये सारी चीज़ें जो है उन किताब में लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे वो बुद्धमत मज़हब लोगों में फैला था और उस ज़माने में गौतम बुद्ध के बारे में लोग क्या ख्याल करते थे, इतने सारे सवालात, जो कि लोग इबादत कैसे करते थे, किन चीज़ों की उनको आदत थी, ये सब हमें उन आसारे कदीमा से पता लगता है। इन सब बातों के जवाब हमें उन पत्थर से तराशे हुए मुजस्मों से पता लगता है। और गंधारा आर्ट बहुत मशहूर था, उस पर यूनानी मुजस्मे जैसी तस्वीर बनी हुई थी और हिंदुस्तानी शहजादों से जो कि मिलते जुलते थे। अब उस ज़माने में ज़ाहिर है यूनानियों ने हुकूमत की है, जब ही उन सिक्कों पर उनकी यूनानियों के चेहरे नुमाया थे। इससे हमें यह भी पता लगा कि उस वक्त यूनानियों ने भी वहाँ पर हुकूमत की है। तो जो ज़मीन से आसारे कदीमा निकाले जाते हैं तो वो हमें पुराने ज़माने के वाकयात जानने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और हमें तारीख को समझने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सबक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, ये आपके टेक्सिला के अजायब घर के अल्फाज मायने हैं और बेटा ये आपने अपनी कॉपी में बहुत ही साफ राइटिंग में करने हैं, और आपने सबसे पहले माह नवंबर का टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद माह नवंबर का टाइटल पेज बना के आप चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे, टेक्सिला का अजायब घर, डेट डालेंगे और साफ सुथरी राइटिंग में काम करेंगे, अल्फाज मायने करेंगे जो कि आपको बुक में भी दिए गए हैं, बुक से भी आप देख सकते हैं, अल्फाज लिखे गए हैं बुक में भी, मायने आप यहाँ से देख लीजिएगा। तहजीब, सकाफत, रहन सहन, असरात, ज़ेर साया होना,
जानशीन गद्दी नशीन मुजस्मा मट्टी या चूने के बनाए गए इंसान स्टोपा कोन नुमा सॉकेट जिसमें आइसक्रीम हो तिकोन। स्टूडेंट्स ये आपके टेक्सिला के अजायब घर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। टेक्सिला में मुसलमानों से पहले किस किस की हुकूमत रही? टेक्सिला में मुसलमानों से पहले बहुत पहले हिंदू यूनानी और बुद्धमत के मानने वालों की हुकूमत रही है। नंबर टू हिंदू यूनानी और बुद्धमत के बादशाहों के नाम लिखिए। सिकंदर आजम गौतम बुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका थे। अशोका के बारे में लिखिए वो कौन था। अशोका टेक्सिला यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद चातकिया का एक ऐसा शागिर्द था जो अपने उस्ताद की मदद से आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा था। टेक्सिला के अजायब घर में कौन कौन सी चीजें ज्यादा नुमाया है नाम लिखिए। टेक्सिला के अजायब घर में सिक्के गंधारा आर्ट के नमूने पत्थर से तराशे हुए मुजस्मे और गौतम बुद्ध के मुजस्मे नुमाया हैं। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। टेक्सिला का अजायब घर किस शहर के करीब वाक़ है? जैसा कि चैप्टर के शुरू में बताया गया कि टेक्सिला का अजायब घर रावलपिंडी शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। स्टूडेंट्स ये आपका आखिरी सवाल है। आसारे कदीमों से हमें क्या समझने में मदद मिलती है? ज़मीन से निकले हुए आसारे कदीमा हमें हजारों साल पहले के वाकयात जानने और तारीख को समझने में मदद देते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्फाज मायने करेंगे, उससे पहले टाइटल पेज अल्फाज मायने, फिर आपने ये क्वेश्चन आंसर करने हैं और ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये ख़त है, ये आपको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये ख़त भी करना है। वालिद साहब के नाम ख़त लिखकर छुट्टियाँ अपनी सहेली के यहाँ गुजारने की इजाज़त मांगी। जिस तरह के ख़त लिखा जाता है कमरा इम्तिहान आप लोग राइट साइड पे लिखेंगे, कराची माँ इधर, फिर आप अपनी डेट डाल देंगे जिस डेट पर आप खत लिखेंगे, मेरे प्यारे अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मेरी पढ़ाई अभी चल रही है और अभी मेरी और दोस्त भी हैं जिनकी वजह से मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आपसे दरख्वास्त है कि मेरी सहेली के घर शादी है और मैं छुट्टियां वहां गुजारना चाहती हूँ। शादी में मेरे हॉस्टल की और भी सहेलियां जा रही हैं, मेरी तालीम पर कोई असर नहीं होगा, अपना ख्याल रखिए, फ़कत आपकी बेटी आमना। स्टूडेंट्स यहाँ आप अपनी छुट्टियाँ अपनी दोस्त के घर गुजारने के लिए अपने वालिद साहब से इजाज़त ले रहे हैं और जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा है ख़त उसी तरह से आपने पहले ऊपर बेटा ख़त की हेडिंग डालनी है, ख़त की हेडिंग डालेंगे और इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसी तरह से सवाल लिखेंगे जिस तरह से मैंने लिखा है और आप इसके बाद राइट साइड से ये ख़त स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरी राइटिंग में ये आपको काम करना है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ आपके लिए। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, हॉस्पिटल में मेरी और सॉरी हॉस्टल में मेरी और दोस्त भी हैं जिनसे मुझे पढ़ाई में मदद मिलती है। आपसे दरख्वास्त है, मेरी सहेली के घर शादी है और मैं छुट्टियां वहां गुजारना चाहती हूँ। शादी में मेरे हॉस्टल की और भी सहेलियां जा रही हैं, मेरी तालीम पर कोई असर नहीं होगा, अपना ख्याल रखिएगा, फ़कत आपकी बेटी आमना। स्टूडेंट्स ये भी माह नवंबर का ही काम है तो चैप्टर के बाद आपने ये ख़त करना है। बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग में लाइन छोड़ के कीजिएगा
ताकि काम आपका बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहे। इसमें डेट 25 नवंबर है, आप बेटा जिस तारीख को लिखेंगे वही आप डेट डालेंगे, ठीक है। खत और दरख्वास्त जिस तारीख को आप लिखते हैं उसी तारीख की, उसी दिन की तारीख डाली जाती है। शुक्रिया।